नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की आज नहीं हुई पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद 19 दिसंबर तय की गई अगली सुनवाई की तारीख। 19 दिसंबर को शनिवार 3 बजे होगी सोनिया राहुल की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। वकील मनु सिंघवी ने सोनिया राहुल के लिए आज पेशी पर मांगी थी राहत। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी पर राजनीति करने का पोड़ा ठीकरा, केस में जीत मिलने का किया दावा। आज तक से बोली सोनिया गांधी, नहीं हूं निराश, मैं किसी से डरने वाली नहीं, इंदिरा गांधी की हूं बहू। नेशनल हेराल्ड केस में राजनीति से जुड़े सवाल पर बोली सोनिया गांधी, कहा आप पर छोड़ती हूं, मीडिया ही तय करे, तथ्यों की करे पड़ताल। कांग्रेस के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, गलत करने वाले ही डरते हैं, कानून के मुताबिक काम कर रही है सरकार। नेशनल हेराल्ड केस के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, बोले पटियाला हाउस कोर्ट की आज की कार्रवाई से हूं संतुष्ट। पुडुचेरी पहुंचे राहुल गांधी, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही चेन्नई दौरे के लिए हो गए थे रवाना। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मुझे चुप कराना चाहती है सरकार। राहुल ने कहा मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, मुद्दों को लेकर हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में नहीं देंगे याचिका, 19 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में होंगे पेश। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस नेता शेणुका चौधरी का बयान, कहा इस मुद्दे से कांग्रेस को ही लाभ होगा। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा इंदिरा की बहू है सोनिया, ये सभी को पता है, लेकिन केस को लेकर संसद में क्यों पैदा कर रही है गतिरोध। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा कोर्ट में है मुद्दा, मैं कुछ नहीं कह सकती, आरोपों का कांग्रेस ही जवाब दे। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बोलेगी जवाबी हमला, सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रवक्ताओं संघ की बैठक। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा चर्चा के लिए जनता से की समस्याओं से जुड़े बहुत से मुद्दे, लेकिन कांग्रेस बेवजह सदन में कर रही है हंगामा। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कांग्रेस का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण, किसानों का अहित कर रही है कांग्रेस। गांधी परिवार पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा हमला, बोले जमीन का खेल खेल रहे हैं राहुल और वाड्रा, प्रॉपर्टी डीलिंग की खोल रही है दुकान। कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस भास्कर राव ने दिया इस्तीफा, बेटे पर लगाए घूस लेने का आरोप। दिल्ली में बारपुर इलाके में ट्रैफिक जाम में 2 घंटे फंसे रहे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को लगाई फटकार। नाराज गडकरी ने एनएचएआई अधिकारियों से जाम से निजात पर मांगा प्लान, 24 घंटे में प्लान देने का निर्देश। परिवहन मंत्री ने दिया आदेश, 15 दिन में ही शुरू दिल्ली को जाम से निजात दिलाने पर काम। नितिन गडकरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण पर की चर्चा। गडकरी और पीएम की मुलाकात में तय हो रणनीति, वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार की करेगा नियुक्ति। दिल्ली में सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, नेशनल हेराल्ड केस और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ किया प्रदर्शन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे के लिए रवाना, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। पाकिस्तान से वार्ता पर विपक्ष के साथ अपने अपनों से भी घिरी सरकार, यशवंत सिन्हा ने किया सवाल, हालात में आखिर क्या हुई तब्दीली जो फिर शुरू हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे ममता बनर्जी, केंद्र पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का लगाती रही आरोप। और इवन नंबर पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, कहा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, विशेषज्ञों की ली जा रही है राय। पर्यावरण मुद्दे पर कपिल मिश्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में है निर्णय लेने वाला नेतृत्व, तो पर्यावरण पर पेरिस में भाषण देने वाले हैं बहुत से नेता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और केजरीवाल सरकार के बीच फिर दिखा टकराव, बस्सी के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने बस्सी पर लगाया गलत तरीके से फ्लैट खरीदने का आरोप, हाईकोर्ट में पुलिस कमिश्नर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए अर्जी देने की तैयारी। भूमि घोटाले में दिल्ली सरकार के स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विभाग के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया केस, एफआईआर में सीएम केजरीवाल ने करीबी का नाम बताया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आपदा पीड़ितों की मदद में आगे आए 5वीं कक्षा के बच्चे, 80 टॉवल और 2,800 रुपए की भेजी राहत। चेन्नई में खुले आसमान के नीचे बसर करने को मजबूर है कुछ आपदा पीड़ित, समाजसेवी संस्थाओं से मिल रही है भोजन और पानी की सुविधा। चेन्नई में आपदा पीड़ित बच्चों ने गांधी मंडपम में ली शरण, सैलाब में बहे कॉपी किताब लैपटॉप से ले रहे मदद। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चेन्नई में आपदा पीड़ितों का दिया भरोसा, बोले सरकार बनाए रखी हुई है नजर, हर संभव होगी मदद। पुडुचेरी में बारिश से बरपा बाढ़ का कहर, निचले इलाकों में घुसा सैलाब का पानी। चेन्नई में आईडीआर ने सेवाएं बहाल कर अपने 19,50,000 उपभोक्ताओं को दी राहत, सुविधा के लिए खोले 29 स्टोर। आईडीआर ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
1948 टोल फ्री नंबर पर अपने खोए परिचितों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे उपभोक्ता। आईपीएल को मिली है दो नई टीमों की सौगात, पुणे और राजकोट की टीम आईपीएल में शामिल, बीसीसीआई ने किया ऐलान। संजीव गोयका ने खरीदी पुणे की टीम, इंटेक्स ने राजकोट की टीम का हासिल किया मालिकाना हक। 2016-17 के आईपीएल मुकाबले में दोनों टीमों को मिलेगा मौका, चेन्नई और राजस्थान की टीम पर कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध। त्रिपुरा में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, 9 दिसंबर को होना है मतदान, 8,886 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 5,00,000 से ज्यादा मतदाता। झंडे और पोस्टर से पटाकर तला, यूपी के बांदा में मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतरे, शिवरामपुर के पास हुआ हादसा, झांसी इलाहाबाद रूट पर पड़ा असर, रोहतक में हादसे का शिकार हुए रोडवेज बस, 14 लोग घायल, धुंध के चलते ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। दिल्ली में कापासेड़ा से करमपुरा जा रही ईडीसी बस में लगी आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से खुला, सोमवार को पहाड़ी का मलबा गिरने से हुआ था बंद। यूपी के खलीलाबाद में पल भर में स्वाहा हो गई कार, मार्केट में खड़ी कार में अचानक लगी आग। बैंगलोर में कूड़ा जलाने से बड़ी मुसीबत, बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। हाथरस में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, मथुरा जा रही थी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना महगांव में घुसे बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, जंगल में ले जाकर के आजाद। दादर एक्सप्रेस को एमयू ने पीछे से मारी टक्कर, पलवल में असावडी स्टेशन के पास हुआ हादसा, हादसे में एमयू ड्राइवर की हुई मौत, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। भोपाल में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बड़वानी में डॉक्टरों की लापरवाही से आंख की रोशनी गंवाने वालों का उठाया मुद्दा। तंबाकू उत्पाद से जुड़े कारोबारियों और पान के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, कड़े नियमों पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर के बाहर की नारेबाजी। मुंबई के कांदिवली में सैकड़ों लोगों ने खुले आसमान के नीचे गुजारी रात, झुग्गी बस्ती में लगी आग से छीना आशियाना। गुड़गांव में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 6 बदमाश घायल, 4 फरार। असम के सेलामाथा इलाके में बोडो उग्रपंथियों से सेना और पुलिस की मुठभेड़, 1 उग्रपंथी ढेर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 4 लोग गिरफ्तार, चंदन की तस्करी का आरोप। झारखंड के गढ़वा जिले में रंगदारी के डर से बिजली विभाग के सुप्रिंटेंडेंट ने छोड़ा ऑफिस, 2 महीने से रांची में डाला डेरा। राजस्थान के भरतपुर में चोरों के गिरोह के सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ा, कई चोरियों को दिया था अंजाम। यूपी के गाजीपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 लोग घायल, घायलों में 1 बच्चे की हालत नाजुक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के जौनपुर में मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हो सका एक शख्स का अंतिम संस्कार, जेल में बंद पत्नी को पैरोल नहीं मिलने से रुका अंतिम संस्कार। झारखंड के गढ़वा में सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और 2 मोबाइल फोन जब्त। धनबाद में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला, इंसाफ के लिए पिछले 24 घंटों से घर के सामने धरने पर बैठी। राजस्थान सरकार ने डीयू के प्रोफेसर अशोक बोहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दिया आदेश, हिंदू धर्म पर गलत टिप्पणी का आरोप। जयपुर में थाने में एक महिला ने रो रोकर सुनाया दुखड़ा, पति पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप, पुलिस से शादी रोकने की फरियाद की। दिल्ली नरेला इलाके में झाड़ियों में मिला युवक का शव, परिजनों के मुताबिक पुलिस हिरासत में था युवक। नोएडा में नाले में गिरने से मजदूर को निकालने के दौरान 3 और लोग नाले में गिरे, 1 शख्स की हुई मौत, बाकी लोगों को मुश्किल से निकाला जा सका। धौलपुर के मनिया इलाके में मिले युवक युवती के शव, पुलिस ने प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। गाजीपुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को लगी गोली, पुलिस को आशंका है कि किसी शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में लगी गोली। दिल्ली के मियांवाली नगर में पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पैसों के लेन देन में हत्या का शक। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल। झारखंड के रामगढ़ में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन और एसयूवी में भिड़ंत, हादसे में 13 लोगों की मौत। अलवर में सरगना समेत 5 डकैत गिरफ्तार, 2 डकैतियों समेत 30 वारदात को अंजाम दिया था।
वाराणसी में कोहरे के चलते यात्रियों की बड़ी मुसीबत, कई ट्रेनें हुई लेट। रोहतक और उसके आसपास के इलाकों में दिखी घनी धुंध का चादर, वाहन चालकों ने सुबह सावधानी के चलते लाइट जलाकर किया सफर। झारखंड के देवघर में स्वरोजगार योजना का सत्यानाश, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया बुनकर शेड बनकर बना खंडन। दिल्ली के बाल भवन में 3 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन, विभिन्न राज्यों के बच्चों ने दी प्रस्तुति। श्रीनगर में फिल्म सरगोशियों की शूटिंग, खूबसूरत वादियों के बीच झील में सितारों ने शूट किया सीन। कानपुर में हादसे से हुई मौत के मामले में महिला दरोगा वर्षा श्रीवास्तव का परिचित को बचाने का आरोप, एक्सीडेंट के बाद मृतक को बिना पोस्टमार्टम कराया था। दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह छाई बेहद घनी धुंध, यात्रियों को भी खासी दिक्कतें। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इलाके में सुबह बेहद कम रही दृश्यता, धुंध में लिपटा दिखा पूरा इलाका। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान, कहा अमेरिका में किसी भी मुस्लिम के आने पर लगे प्रतिबंध। पेरिस ने दिया आतंकियों को जवाब, बटाक्लेन में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जुटी भारी भीड़, हफ्ते भर पहले यही हुआ था आतंकी हमला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान का बयान, सुषमा के दौरे से क्रिकेट के लिए खुल सकता है रास्ता। नेपाल के जनकपुर में मदेशिया आंदोलन का असर, पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। चीन की राजधानी बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट, स्कूल बंद किए गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी गुरुवार तक रोका गया काम। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की टॉप लिस्ट में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी बगदादी का नाम, पीएम मोदी, मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई टॉप पोजीशन की दौड़ से बाहर। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर सक्रिय हो गया है, पहाड़ पर ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा, बहता हुआ दिखा जा सकता है।